News 18, India. आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। सौरभ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कल हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से सियासी संकट के बाद नई सरकार बनी है, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी ईडी शिकंजा कस चुकी है, लेकिन आज का दिन, आज के दिन के मायने आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण दिन तो है क्योंकि अभी हेमंत सोरेन जी और लालू यादव जी जिस प्रकार से जो है उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और सजा भी मिली है कोर्ट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि लालू यादव जी जो है, देखिए जब भ्रष्टाचार की बात होती है ना किसी भी रैलियों में या हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चुनाव में, तो लालू यादव जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और जनता के बीच में भी बहुत पॉपुलर है। वो किस चीज के लिए पॉपुलर है? वो भ्रष्टाचार के नाम पे। वो किस चीज के नाम पे पॉपुलर है? वो चारा घोटाले के नाम पे। तो आप ये देखिए कि अगर आपको कोर्ट जो है या फिर प्रशासन आपको या फिर हॉस्पिटल के लोग आपको जो है सहूलियत दे रहे हैं। मैं आपका रुख करूंगी, मैं सीधे बिहार लिए चलती हूँ। आपको पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, अब से कुछ ही देर पहले हम अपने दर्शकों को बयान सुनवा रहे थे मनोज झा का, कह रहे हैं कि बीजेपी का समय है, मतलब लड़ाई अब इस तरीके से आगे बढ़ रही है। साथ ही लालू प्रसाद क्या पहुंच चुके हैं, बताइए जरा। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, सामने जो आगे स्कॉर्ट आ रहा है उसके पीछे में जो गाड़ी है उसी में लालू यादव मौजूद हैं और भारी संख्या में जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और 11 बजे का वक्त दिया गया था जब लालू यादव को यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय का जो कार्यालय है, ईडी का कार्यालय है, वहाँ पर पहुँचना था। तो ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लालू यादव की गाड़ी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जिसमें पुलिस के जवान भी हैं, स्कॉट है और साथ ही जो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं आगे नारा लगाते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जैसे ही उनको जानकारी मिली उसके बाद से यहाँ पर बैंक रोड में पहुँच चुके हैं और ये लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव के ऊपर यह आरोप है कि जमीन लेकर और उसके बाद रेलवे में भारी संख्या में फोर्थ ग्रेड में लोगों को नौकरी दी गई है और उसी मामले की जांच के दौरान लालू परिवार के राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था और उसी मामले में ये पूछताछ के लिए लालू यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इससे पहले जब संबंध दिया गया था तो लालू यादव की ओर से कहा गया था कि वो तबीयत खराब रहती है, ऐसे में वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ईडी ने खुद ही उनसे पूछा था कि जगह समय आपका होगा, सिर्फ आप बताइए कहां पर आना है। और उसी को लेकर लालू यादव यहां पर पटना के ईडी दफ्तर में आज पहुंचे हैं। उससे पहले भारी संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस गाड़ी में आगे में लालू यादव बैठे हुए हैं और ईडी दफ्तर में भारी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है ताकि उस तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये तस्वीर पटना ईडी दफ्तर का है, आरजेडी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लालू यादव को 11 बजे यहां पर पहुंचना है और पूछताछ करेगी और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो ये पास का बिल्डिंग है
वहां पर जो कार्यकर्ताओं की टीम, पुलिस की टीम मौजूद है, उसको दिखाएं। देखिए किस तरह से भारी संख्या में टीम यहां पर पहुंची है। लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। रेलवे में रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है और उसी आरोप में लैंड फॉर जॉब मामले में यहां पर तेजस्वी यादव, मिशा भारती, हेमा यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले लालू यादव को जो सम्मन दिया गया था उसमें लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर लालू यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में ईडी ने उनसे खुद पूछा था जगह आपका, समय आपका, और उसके बाद फिर लालू यादव ने पटना में पूछताछ के लिए हामी भरी थी और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी और उनके सबॉर्डिनेट दो पहुंचे हुए हैं यहां पर। सवालों की लंबी फेहरिस्त है। अभी जब लालू यादव अंदर में पहुंचेंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायक, एमएलसी और तमाम जो आरजेडी से जुड़े हुए, उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो बाहर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए ईडी दफ्तर के सामने किस तरह से जो भारी हुजूम आरजेडी का। लालू यादव को अंदर जाना आता है लेकिन वो उतर नहीं पा रहे हैं गाड़ी से, सिर्फ भीड़ होने की वजह से। लालू यादव के ऊपर और लालू परिवार के ऊपर यह आरोप था कि लैंड फॉर जॉब, नौकरी रेलवे में देने के बदले लोगों से पैसे लिए गए थे, जमीन लिए गए थे, जिसके कई प्रूफ सामने आ चुके हैं। और उसी मामले में अभी पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाया गया है। तो ये तस्वीर पटना के ईडी कार्यालय के बाहर का है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता भीड़ होने की वजह से लालू यादव गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। जो ये पास का मकान है, पास का जो बिल्डिंग है, बड़ा दफ्तर ईडी का है, यहाँ पर लालू यादव को जाना है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी गाड़ी को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है और पीछे का जो ये गेट है ईडी का, ईडी ऑफिस का, ईडी कार्यालय का, यहीं पर लालू यादव को जाना है। ईडी के अधिकारी जो हैं वो अंदर में मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद भी लालू यादव को ईडी दफ्तर के अंदर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालू परिवार के लिए ये दोहरी मार है, जहां पर कल तक वो सत्ता में थे, लेकिन गठबंधन बदल जाने के बाद अब लालू यादव के बेटे जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और उनके जो बेटे तेज प्रताप यादव हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं। और आज ईडी दफ्तर लालू यादव पहुंचे हैं, जहां उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी भीड़, सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां पहुंच चुके तमाम। और ये जो गेट है, गेट में अंदर गाड़ी ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर जाना शायद उतना मुमकिन नहीं हो पाएगा कार्यकर्ताओं के लिए। सुरक्षा कर्मियों की भारी हुजूम है और यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर जैसे ही जानकारी मिली कि लालू यादव आज ईडी के सामने पेशी के लिए आ सकते हैं, पूछताछ के लिए आ सकते हैं, उसके बाद से हुजूम उमड़ पड़ा है। और ये तस्वीर ईडी दफ्तर के सामने का, पटना का बैंक रोड इलाका है, जहाँ पर मीसा भारती पहुंच चुकी हैं गेट पर। लालू यादव के साथ साथ मीसा भारती यहां पहुंची हैं, तो उनसे भी पूछताछ क्या है उसके लिए मीसा भारती पहुंची है। भारती भी पहुंची
पहुंची हैं। मीसा भारती से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि मीसा भारती को यहां पर क्यों आना पड़ा है। मीसा भारती के इनको भी समन किया गया है। मीसा जी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीसा जी, सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, वो गेट के बाहर मौजूद हैं। उनके पार्टी के एमएलसी हैं रितलाल यादव, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। मीसा भारती गेट पर मौजूद हैं। भारी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जिसके चलते लालू यादव अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे यह जानकारी मिली है कि लालू यादव को आज ईडी दफ्तर आना है, उसके बाद से भारी संख्या में उनके पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अंदर में सुरक्षा कर्मी मौजूद है। यादव से और खुद यहां पे मीसा भारती सामने आई है। मीसा जी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप क्या अपने पापा के साथ आई हैं? आए हैं ना, साथ ही आए हैं ना। आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया? नहीं, हमको नहीं बुलाया है। जैसे आप आए वैसे हम भी आए अपने पिताजी के साथ। पूछताछ होगी तब तक यहीं पर रहेंगी आप? बिल्कुल, बेटी का कर्तव्य क्या है? तो बेटी होने के नाते मीसा भारती बड़ी बेटी है, यहाँ पर पहुंची हुई है और लालू यादव से पूछताछ जब तक पूछताछ होगी तब तक यहीं पे मौजूद रहेंगी। ये बड़ी अपडेट खबर बता रहे हैं कि देखिए गेट खोलने की क्या गेट खोलने को कहा गया। मीसा जी क्यों गेट नहीं खुल रहा है? पूछिए आप, शायद खोल दें आपसे। हम तो बोल रहे हैं नहीं खोल रहे हैं। मीसा जी, आप लोगों को समन किया गया लालू यादव को और आज यहाँ पर आप लोग पेश होने के लिए आज सवालों का जवाब ईडी आपसे मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी, उसी के लिए बुलाई है। चाय नाश्ते के लिए तो बुलाई नहीं है ईडी। आप लोगों ने कहा है कि ये ईडी का समन नहीं बीजेपी का समन है, कैसे? मीसा जी आप लोगों ने कहा है ईडी का नहीं बीजेपी का समन है, कैसे? एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा हटाइए। देखिए मेरा ये कहना है ईडी का समन नहीं है बीजेपी का समन है, कैसे? अभी जनता समझ रही है अब कल क्या हुआ है घटनाक्रम और आज क्या हो रहा है, इस पे कोई कमेंट हम लोग नहीं। लेकिन लेकिन आरोप आपके पूरे परिवार पर, आप पर भी है और आपके संबंधियों पर, देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सब के ऊपर यही आरोप है, नई आरोप कोई नहीं। तो ये आपने मीसा भारती को सुना तो ये कह रही है कि आरोप जो है देश के लोग समझ रहे हैं कि मीसा जी कल तक आप लोग सरकार में थे।